नमस्कार, मैं हूं प्रखर, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। बागेश्वर की प्रेमा का भारतीय सीनियर महिला क्रिकेट टीम में चयन होने से पूरे जिले भर में खुशी की लहर है। परिजनों के साथ ही जिले के क्रिकेट प्रेमियों ने खुशी जताते हुए प्रेमा को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं बचपन से क्रिकेट का शौक रखने वाली प्रेमा की इस उपलब्धि पर उनके पिता ने उनके बचपन की कई यादें साझा की हैं। बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील के प्रेमा रावत का चयन सीनियर महिला क्रिकेट टीम में हुआ है। वहीं प्रेमा के भारतीय सीनियर टीम में चयन होने पर जिले और राज्य के खेल प्रेमियों ने खुशी का इजहार किया है। बता दें कि प्रेमा बागेश्वर के कपकोट तहसील में दुरुस्त गांव सुमटी से ताल्लुक रखती हैं और प्रेमा का चयन ऑलराउंडर के रूप में हुआ है। वहीं प्रेमा ने अपने प्राथमिक शिक्षा गाँव स्कूल से की है और प्राइमरी के बाद प्रेमा अपने पिता के साथ बरेली रहती हैं, जहां से उन्होंने क्रिकेट के गुण सीखकर भारतीय सीनियर महिला क्रिकेट टीम में चयन होने तक बहुत मेहनत की है। वहीं प्रेमा के पिता केदार सिंह रावत वायुसेना बरेली में तैनात हैं, जबकि प्रेमा की मां बसंती देवी गृहिणी हैं। वहीं प्रेमा 31 अक्टूबर से पुणे में होने वाली प्रतियोगिता में अपने हुनर दिखाने को तैयार हैं। प्रेमा के पिता बताते हैं कि प्रेमा को बचपन से ही क्रिकेट का शौक रहा है, इसके चलते गांव के छोटे बच्चों के साथ वो भी बल्ला लेकर पहुंच जाया करती थी। वहीं गांव से बरेली आने के बाद भी प्रेमा का एक क्रिकेट का शौक कम नहीं हुआ और धीरे धीरे प्रेमा ने इसे अपना रूटीन बना लिया। उनके पिता ने बताया कि इसके बाद जिला स्तर पर प्रेमा लगातार क्रिकेट खेलती रही है। वहीं प्रेमा के चयन होने पर उसके घर के साथ ही पूरे बागेश्वर में खुशी है। इस दौरान बागेश्वर क्रिकेट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुरेश सोनियाल और क्रिकेट प्रेमियों ने प्रेमा की इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। बागेश्वर जनपद के लिए एक बहुत खुशी की बात है और एक दूरस्थ गांव से सुमटी बैसानी नाम है गांव का, वहां से एक लड़की प्रेमा रावत जो है हमारे जो उत्तराखंड की महिला सीनियर टीम है उसके लिए उसका सिलेक्शन हुआ है। और एक नॉर्मल से गांव से जाके बच्ची ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, उसकी मेहनत आज उसको रंग लाई है और पूरे क्रिकेट एशन और बाकी की ओर से उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आगे उसके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। अभी पुणे में है वो, 31 से मैच है स्टार्ट है उत्तराखंड के, तो पहला मैच मुंबई के साथ है उत्तराखंड का, तो हम चाहते हैं कि वो प्लेइंग 11 में पार्टिसिपेट। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।